good morning students so today we are moving ahead with our chapter so this is the last topic of our chapter which is pressure exerted by fluids in the last video you learned about what is pressure and what are the applications of pressure in this video we will learn about the pressure exerted by fluids so before learning this we need to understand that what are fluids सो गैसेज एंड लिक्विड्स दे बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूड्स फ्लूड्स का मतलब क्या होता है कोई भी वो चीज़ जो बह सकती है जैसे पानी है वो एक लिक्विड है वो बह सकता है एयर है वो एक गैस है मिक्सचर ऑफ गैस है वो भी बह सकती है मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो कर सकती है इसलिए उनको फ्लूड कहा जाता है सॉलिड जो होते हैं सॉलिड रिजिड होते हैं सोलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं दे आर रिजिड बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर शेप एंड दे कैन नॉट फ्लो लाइक गैसेज एंड लिक्विड्स सो इन दिस वीडियो वी विल पर्टिकुलरली बी टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एक्जर्टेड बाय फ्लूड सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स जो लिक्विड्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वट आर द डिफरेंट लॉज और डिफरेंट वेज विच आर फॉलोड बाय लिक्विड्स फॉर एग्जर्टिंग द प्रेशर सो फर्स्ट इज प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए दिस इज अ कैन और कैन पे बहुत सारे पॉइंट हैं दिस इज अ पॉइंट दिस इज अ पॉइंट दिस इज अ पॉइंट दिस इज अ पॉइंट किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर लिक्विड है किसी भी पॉइंट पे कैन के ऊपर लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो किस पे डिपेंड करता है उसकी डेप्थ पे डेप्थ का मतलब है उसकी गहराई पे डिपेंड करता है और गहराई पे वो कैसे डिपेंड करता है जितना जितना आप लिक्विड में डीप मूव करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा सो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ तभी तो जो सी और ओशन होता है उसमें प्रेशर जितना सरफेस पे होता है जितना नीचे नीचे पर्सन से या ओशन के अंदर जाता रहता है उतना ज्यादा प्रेशर जो है उसके ऊपर एक्सर्ट होता है मतलब अगर कोई पर्सन सरफेस से एक किलोमीटर तक भी नीचे की गहराई में चला जाए सी या ओशन के तो हंड्रेड टाइम्स तक जो है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तभी जो लोग स्पेसिफिकली स्टडी के लिए जाते हैं सी या ओशन में तो वो स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं जो उनकी बॉडी प्रेशर को सह सके बिकॉज नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन to cope up with the pressure applied by the liquid at, uh, at such a great depth so the, these people they wear special type of suits so that their body can cope up with that pressure which is exerted by the water so with increase in depth the pressure exerted by a liquid means water or liquid it increases now second point pressure लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन डूट वन एक्टिविटी ऑल्सो एक आपने कैन ले लिया कैन में आप क्या कर सकते हैं कैन दिस कैन इज फिल्ड विदिक्विड यहां पर आपने एक होल्ड किया यहाँ पे होल्ड किया यहाँ होल्ड किया सो वॉटर यू विल ऑब्जर्व जितना ज्यादा डीपर होल होगा जितना डीपली डेप्थ पे होल होगा उतनी दूर तक वॉटर जा रहा होगा उतनी दूर तक वॉटर जाने का मतलब क्या है कि वहां पे उतनी ही प्रेशर के साथ जो वॉटर है वो बाहर निकल रहा है नाउ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सेम एट ऑल दी डायरेक्शन एट सेम डेप्थ अगर हम सेम डेप्थ ले लें मान लो ये कैन है तो ये हमने एक पर्टिकुलर हाइट ले ली ये पर्टिकुलर डेप्थ ले ली हमने तो अगर इस डेप्थ पे मैं किसी भी पॉइंट पे जैसे मैंने ये फोर होल कर दिए तो हर एक होल से सेम प्रेशर से पानी निकलेगा ऐसा नहीं है कि इस होल से ज्यादा प्रेशर से निकलेगा या इस होल से कम प्रेशर से सेम डेप्थ पे हरेक पॉइंट पे जो प्रेशर uh, है लिक्विड का वो सेम रहेगा देन प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर जो प्रेशर लिक्विड एग्जर्ट करता है जो प्रेशर लिक्विड लगाता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता वो कंटेनर की शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता ठीक है तो जैसे मान लो आपने ये तीन कैन ले लिए तीनों ये सबसे पतला कैन है ये मीडियम है ये सबसे लार्ज कैन है इनमें आप ऑलमोस्ट सेम हाइट के ऊपर सेम लिक्विड लीजिए तीनों के अंदर और ऑलमोस्ट सेम हाइट के ऊपर आप क्या करो होल क्रिएट करो आप क्या देखोगे तीनों में बिल्कुल सेम प्रेशर से जो है आपको लिक्विड फ्लो होता हुआ दिखाई देगा तो लिक्विड जो प्रेशर एक्जर्ट करता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज दास्क लॉ पास लॉ से इज दैट प्रेशर अप्लाइड टू अक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन अगर आप किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में जो आ, प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे मान लो आप एक वाटर का वॉटर फिल बलून ले लो बड़ा सा आपने वाटर फिल बलून ले लिया ठीक है इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है आपने सेम डेप्थ पे मान लो इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल पतली पिन से थ्री होल्स कर दिए तो आप क्या देखोगे और आपने इसमें से पानी निकलना शुरू होगा तो अगर आप इसके ऊपर हाथ रख के इसको आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा प्रेशर बढ़ेगा इसके ऊपर तब आप क्या देखेंगे कि जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर वो इक्वली सारे होल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीनों होल्स में से इक्वल प्रेशर के साथ पानी आएगा तो जो भी आपने इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया वो इक्वली हर डायरेक्शन में पहुंचा है हर इक्वल डायरेक्शन इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट हुआ है नाउ प्रेशर एक्जर्टेड बाय गैसेस और एयर सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड्स नाउ इज द प्रेशर एक्जटेड बाय गैसेज और एयर सो ऑल गैसेज एग्जर्ट प्रेशर जितनी भी गैसेज होती हैं सब क्या एक्जर्ट करती हैं प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेज नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है देन ऑक्सीजन एंड देयर आर मेनी अदर गैसेज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सो एयर आर ऑल्सो एग्जर्ट द प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ हमारे पर भी एयर जो है प्रेशर एग्जर्ट कर रही है जितनी भी चीज जहां पे भी आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है वहां पे क्या प्रेजेंट है एयर प्रेजेंट है और उस हर जगह पे एयर क्या करती है प्रेशर एक्जर्ट करती है सो द प्रेशर एक्जटेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑन दी अर्थ जो प्रेशर एयर एक्जर्ट करती है किसी भी पॉइंट पे ऑन दी अर्थ उसको एटमोसफेरिक प्रेशर कहा जाता है क्योंकि अर्थ एयर को हम क्या मानते हैं एटमोसफेयर मानते हैं ना अपना तो इसीलिए उसको एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है किसी भी पॉइंट पे अर्थ के उसको हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको बैरोमीटर कहा जाता है जो कि डिस्कवर किसने किया था ई टॉरी ने डिस्कवर किया था अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि माउंटेनियस एट हाई सम टाइम एक्सपीरियंस ब्लीडिंग थ्रू देयर नोस कभी कभी क्या होता है जैसे कोई भी माउंटेनियर है कोई पहाड़ पे चल रहा है सडनली जैसे ही वो हाई सडनली uh, वो जैसे ही ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि एटमोसफेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे डाउन हो जाता है अगर कोई एक जगह है वो इस हाइट पे है तो इतनी एयर यहां तक कि जितनी भी एयर इसके ऊपर प्रेजेंट है वो एटमोसफेरिक प्रेशर ले रही है अगर एक चीज़ है जिसकी हाइट इंक्रीज हो गई है अब इसके ऊपर जितनी एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगी तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो एरिया है वो कम हो जाता है राइट सो एकदम से क्योंकि माउंटेनियर जैसे जैसे हाइट पे चढ़ा तो उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर ड्रॉप हो गया तो उसकी ब्लड वेसल्स एकदम से कई बार क्या हो जाती है रप्चर हो जाती है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए और So, this was all about this chapter where we learn about what is force and what are the different effects of force. Then, we learned about the pressure, its applications, and the pressure exerted by the fluids. So, I hope this chapter is clear to you. So, this chapter is the explanation of this chapter is over, and we will continue with writing the question answers of this chapter. In case of any query, you can uh, you can contact me on my personal window. So, take care, students. That's all.